हाय एवरीवन, सो आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही डिलीशियस इजी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बोल में 3 से 4 बॉइल्ड मैश पोटैटो लिए हैं। इसके बाद मैंने इसमें अपने टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाला है, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून, ग्रीन चिली डाली है अच्छे से काट करके, और धनिया भी डाला है बढ़िया से काट करके। फिर मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच कॉर्नस्टार्च डाले हैं, यानी कि आरारोट, ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए। और फाइनली मैंने इसमें दूध मिलाया है, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, क्रीमी, और एकदम अलग टेस्ट देता है हमारी जो हम ब्रेड पैटीज बनाने वाले हैं उसको। और फिर मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए, तो मैंने इसे अच्छे से टाइम लेकर के मिलाया है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसके बाद मैंने ब्रेड लिया और इसमें तोड़ करके मैंने अपने हाथों से उसमें डाल दिया है। फिर मैंने इन दोनों ही चीज़ों को एक साथ कंबाइन कर लिया, मिला लिया है, ताकि हम इसकी बॉल्स या पैटीज आपको जो भी बनाना हो वो बना सकें। तो देखिए अब अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसे चेक करने के लिए मैं अपने हाथ से इसे कर रही हूँ, तो ये देखिए अब कंबाइन हो रहा है, इसका मतलब है कि अब हम इसकी पैटीज़ बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं अब इसकी पैटी बना रही हूँ, आपको भी इस तरीके से बनाना है। मैं आपको सिंपल वाली भी बना के दिखा रही हूँ और मैं चीज़ वाली भी बनाऊँगी। अब मैंने दूसरा थोड़ा सा और इसका लिया है ब्रेड वाला, और इसमें मैंने चीज़ डाल के इसकी बॉल बना ली अच्छे से कवर करके, फिर मैं इसको पैटी का शेप दूँगी। आप इसमें ऑरिगेनो और मिक्स हर्ब भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसी तरीके से मैंने सारे बना लिए हैं। फिर मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसमें सारी पैटीज रख दी है, और अब हम इसे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक अच्छे से सेक लेंगे, ताकि इसके अंदर की चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इसी तरीके से आप सारे बना लीजिए, और ये बहुत ही टेस्टी होता है, चाय के साथ, चटनी, सॉस, आपको जो भी पसंद हो आप उसके साथ इसे खा सकते हैं, ले सकते हैं। और बारिशों के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट स्नैक है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी रेसिपी एफर्ट्स पसंद आए हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करिए।